जी, आज मैं आपको ये दूध वाली गाजरें बनानी बता रही हूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए मेरे पास ये आधा किलो गाजरें हैं, ठीक है। इसकी कटिंग आपने इस तरीके से करनी है कि आपने जो कील वाली साइड है, इसकी सारी येलो वाला पार्ट है वो आप कोशिश करें कि निकाल दें, और इसके अपने आप पसंद के मुताबिक इसके जो हैं वो पीसीस कर लें, ठीक है। और ये मेरे पास दो इलायची हैं, इनको मैंने हल्की सी चोट लगा ली है, और उसके साथ इसमें 1 लीटर दूध जाएगा, ठीक है। और चीनी इसमें हसबे ज़रूरत है, वैसे तो गाजरों की मिठास ही बहुत काफ़ी होती है तो मुझे तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून चीनी यूज़ करें, ठीक है। और ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है जो मैं आपको बता रही हूँ, और गाजरें आँखों के लिए, दिल के लिए बहुत ही एक बेस्ट ऑप्शन है। और सुबह आप नाश्ते में इसे बना के खाएं, इसे आप ठंडा भी खा सकते हैं और इसको आप गर्म भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक पतीली में मैंने 1/2 कप पानी ले लिया है, और अब मैं इसमें ये अपनी इलायचियाँ और साथ ही मैं ये जो गाजरों के पीस है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जी, जब इनका पानी थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा, ये जो 1/2 कप हमने डाला है, तो फिर उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। इनका गाजरों का काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी, और फिर हमने इसको बिल्कुल उबाल आने के बाद बिल्कुल 0 आंच पे इसको पकाना है, और जब ये दूध हाफ रह जाएगा तो उसके बाद इसको आपने बंद करना है। जितनी स्लो हीट पे ये पकेंगी उतनी ही ये मज़े की और अच्छी तैयार होंगी। ये देखें, गाजरों को हमारी दूध को पकते हुए तकरीबन 1/2 घंटा हो गया है, और अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि ये काफ़ी, अभी ये पतला है और ये मज़ीद थिक होगा, हाफ तकरीबन ये और थिक होगा, तो फिर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे, ठीक है। और इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको नट्स भी चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जी, अब देखें ये दूध काफ़ी थिक हो गया है और ये गाजरें भी अच्छे से गल गई हैं, और अब आपने इसको, आप चाहें तो इस टाइम इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कुछ ना भी ऐड करें तो ये बड़ा ही अच्छा, मीठा और बहुत ही मज़े का बनता है। और सर्दियों में तो ये ज़रूर ज़रूर खाएं, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, और हर एज के लोग इसे खा सकते हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। हमारी ये दूध और गाजरों की कितनी अच्छी लुक और कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब मैं इस पर थोड़ा सा जो है हनी ऐड कर रही हूँ, और इसको आप सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में खाएं। आपको ठंडा पसंद है तो इसे ठंडा करके खाएं, और अगर आपको ये थोड़ा गर्म पसंद है तो हल्का सा इसे गर्म करके खाएं। तो ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही एक हेल्दी डिश है, ज़रूर बनाएं, और इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।